आगे बढ़े फिर, जो दो सवाल थे एग्जाम्पल वाले खुद से करके देखे थे, किस किस ने देखे करके, बने थे तुमसे पक्का? चलो तो अब जो नीले वाले सवाल हैं, नीले वाले सवाल में इन्वर्टेड और एक सेकंड रुको, सबसे पहले तो इसमें कौन के मिरर दिया है तो उससे भी हम थोड़ा हिंट लेंगे, ठीक है? अब इन्वर्टेड और एनलार्ज कैसे है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितने की दी है, 4 सेंटीमीटर की, इमेज की कितनी आ रही है, 4 और 6 देखो तो माइनस का मतलब तो क्या होता है वो तो तुमको अभी बता रहा हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट 4 का है और इमेज 6 की है तो बड़ी हो गई कि छोटी, एनलार्ज हो गया। और माइनस का क्या मतलब है कि वो लाइन के, तो इन्वर्टेड, समझ में आया पक्का? चलो तो अब अपन आगे बात करते हैं, ये जो नीले वाले क्वेश्चन है पेज नंबर 171 पे, क्वेश्चन नंबर 1, किसी को कोई दिक्कत? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हो तो फोकल लेंथ निकालने में कोई दिक्कत? लुल्लू पुल्लू है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 किस किस को पूछना है, तो सेकंड वाले में बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन दे रहा है और रियल इमेज बन रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस किया गया है, तो इसमें तुम बताओ हमको क्या क्या गिवन है बेटा, कि कॉनकेव मिरर है सबसे पहले तो एक यही बात गिवन है, बोलो इसका काम लगेगा कि नहीं लगेगा, मैग्निफिकेशन कितना है 3, अब प्लस है कि माइनस है वो अभी अपन बात करेंगे, उससे पहले अपन बात करते हैं यू कितना है 10, और अब मैं क्या लगा लूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, तो यू तो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में। अब सवाल में एक और चीज दे रखी है कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितना है 3, अब तुम बताओ 3 का मतलब क्या हो गया, इमेज जो है वो बड़ी आएगी कि छोटी, कितनी गुना बड़ी आएगी, 3 गुना बड़ी, बड़ी मतलब क्या हो गई, एनलार्ज्ड। और कॉनकेव मिरर में एनलार्ज्ड इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन कैसा आया होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत है, ये क्या बोला मैंने, आया समझ में, फिर से बताऊं, ये जो है वो कॉनकेव मिरर है, बोलो आया ना, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल इमेज है कि नहीं है, और कॉनकेव में रियल कब बनती है, जब वो कैसी हो, ये समझ में आया सबको, रियल इमेज कब बनती है कॉनकेव में, 5 केस, शुरू के 5 केस में, और वो कैसे है, सारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अब इससे हमको क्या बताना है, हमको क्या बताना है, तो हमको पता है मैग्निफिकेशन बराबर कितना होता है, एच डैश अपॉन, पर क्या इससे मेरा काम चल पाएगा, एच डैश दिया है एच, तो मेरे को क्या दिया है, तो मैं क्या लगाऊंगा, माइनस का वी अपॉन, समझ में आ रहा है सबको, अब ये कितना है, तो माइनस का, ये कितना है, माइनस का वी, तो वी निकाल लेंगे, यू कितना है, माइनस का, तो माइनस से माइनस गया, वी बराबर कितना आ गया, माइनस का, देख लो समझ लो, किस किस को आ गया समझ में, थोड़े तुम्हारे चेहरे उड़े हुए लग रहे हैं, कुछ दिक्कत लग रही है इसमें, अगर दिक्कत लग रही तो बता दो, मैं बता दूंगा, आ रहा है समझ, कैसे मैंने माइनस ले लिया, आगे बढ़ूं, हाँ क्या बोल रहे हो, नेचर कैसे बताते हैं बेटा, अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से पढ़े हैं और आपने घर पर जाके प्रैक्टिस करी थी तो आपको अब वो याद हो गए होंगे, जिसने भी नहीं करी है वो कर लेना, कम से कम 2-2, 3-3 बार इनको बना के देख लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 100% पेपर में आए, तो अगर तुमने वो बनाए हैं तो तुमको पता लग गया होगा कि कब इमेज कैसी बनेगी, तो अगर तुमको ये पता है कि कब इमेज कैसी बनेगी तो तुम बता सकते हो। अब रही बात कॉन्वेक्स मिरर की, तो तुमको पता है कि वो तो हमेशा कौन सी देगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो कैसी देगा, हमेशा डिमिनिश्ड देगा, ठीक है। अब बाकी कॉनकेव के केस में हमको पता लगना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा केस है, अगर वो छठवा केस है यानी पोल और फोकस के बीच में है, तो हमने वो पढ़ाया कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वो बाकी के 5 केस हैं तो इमेज कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब वो कहाँ पर रखा हुआ है, उस हिसाब से उसका मैग्निफिकेशन कम ज़्यादा आ सकता है। एनलार्ज और डिमिनिश कैसे बताते हैं बेटा, अगर इमेज बड़ी दिख रही है तो वो एनलार्ज्ड है, मतलब
मतलब डायग्राम, तुम डायग्राम खोल के देख लो, छह तुमको नहीं दिख रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक बार देखो। अच्छा एनलार्ज, तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो बताया था ना कि इमेज कैसी हो जाएगी, समझ में आ रहा है? हाँ और क्या, वो तो उस दिन बताया था ना मैग्निफिकेशन के बारे में, 5 बातें बताई थी, फिर से देख लो फटाफट से कि या तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा, या मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, या मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, या मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है कि इमेज कैसी है, सेम एज ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है एनलार्ज्ड, बोलो आया ना, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है? तो उस दिन मैंने लॉजिक भी बताया था सबका कि रेशो होता है, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, डिटेल में समझाया था, डला हुआ है देख लेना एक बार वापस से। और ये याद रखना है, अगर सिंपली तुमको याद ही रखना है तो तुम देख लॉजिक के साथ अगर करोगे तो ये बातें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम देखो कि तुमको याद रखना है कि समझना, ये तुम्हारे हाथ में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजिशन एंड इमेज मैग्निफिकेशन। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया है, एक बार कन्वर्जिंग मिरर से और एक बार डाइवर्जिंग मिरर से, यानी कि एक बार तो कॉनकेव मिरर है और एक बार कॉनवेक्स है, और दोनों ही केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20, आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एफ कितना हो जाएगा -10 इस वाले केस में, और एफ कितना हो जाएगा +10 इस वाले केस में, बोलो आया ना, आया समझ? एक बार जब ए वाला सॉल्व करोगे, यू ये लोगे एफ ये लोगे तो क्या आ जाएगा वी, एक बार जब बी सॉल्व करोगे तो यू ये लोगे एफ ये लोगे तो क्या आ जाएगा वी, और एक बार अगर वी आ गया तो क्या सब कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो? एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर गिव्स राइज टू अ वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फाइंड मैग्निफिकेशन एंड टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है स्फेरिकल मिरर से, वर्चुअल इमेज को दे रहा है। ठीक, तो जो फोर्थ वाला है उसमें हमको क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर तो -20 सेंटीमीटर गिवन है, और वी की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, बिहाइंड द मिरर गिवन है कि नहीं है, सवाल पढ़ रहे हो? तो वी की वैल्यू +15 ले सकता हूँ क्योंकि उसने बोला हुआ है कि वो कहां पर है, कोई दिक्कत इस बात में? अब जब यू पता है वी पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं? अब जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, जो कि मैं करके दिखा देता हूं, पर लॉजिक सुन लो, मैं क्या ढूंढने वाला हूं एफ, और मैं एफ में क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा जो एफ है वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। इसको सॉल्व करूंगा, 1/v +1/u बराबर कितना होता है 1/, इसमें मैं v और u की वैल्यू डालने वाला हूँ, अभी डाल के दिखाता हूँ। तो मेरा जो f है वो साइन के साथ कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी। अब मेरा f अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब फोकल लेंथ किधर हो गई, राइट साइड में, यानी कि ये मिरर कौन सा हो गया कौन है, और f नेगेटिव आया तो फोकल लेंथ कौन सी हो गई, तो मैं देख लेता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बात कर लूंगा। तो ये कितना हो गया 1/+15 +1/-का बराबर 1/। अब ये प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सीधे, 15 और 20 का एलसीएम मुझे पता है कितना होता है 60, तो 60 के लिए इनका कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूँ, 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे किसका 4 का, तो यहाँ पे भी किसका करना पड़ेगा 4 का, यहाँ पे किसका 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया -3 बराबर 1/, तो ये कितना आ गया 1/60 1/, तो एफ कितना आ गया बेटा किसका आ गया 60 सेंटीमीटर, अपने आप किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। इसका मतलब सवाल में क्या क्या पूछा था हमसे, मिरर का टाइप, तो ये कौन सा हो गया बेटा, मैंने किससे बता दिया, समझ में आ रहा है, मैग्निफिकेशन निकाल, वेरी गुड, मैग्निफिकेशन निकाल के भी बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल के, एक सेकेंड रुको, हाँ मैग्निफिकेशन निकाल के बता सकते हैं कैसे, वो लॉजिक सुन लो।
पहले तो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन वी और यू दिया हो तो क्या होता है, माइनस वी अपॉन, तो माइनस वी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 15, और यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का, माइनस से माइनस गया ये कितना आ गया 3/4, यानी कि 0.7। ये किस किस को समझ में आया कैलकुलेशन? अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात इसने बताई। मैग्निफिकेशन अगर 0.75 आ गया और इमेज हमको गिवन थी कि कैसी है बेटा, कैसी है ये, कैसी है ये इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों ही बना लेते हैं, कॉनकेव भी बना लेता है, और पर जब कॉनकेव वर्चुअल इमेज बनाता है तो इमेज कैसी आती है, एनलार्ज्ड, और जब कॉन्वेक्स बनाएगा तो इमेज कैसी आएगी, 0.75 का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड। तो ये किसका केस होना चाहिए, इसी केस में अगर वैल्यू चेंज करके मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा आ जाता तो फिर हम क्या बोल देते, क्या बोल देते, कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में एनलार्ज्ड इमेज नहीं आ सकता। आ रहा है समझ? तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, और मैं तो बोलूंगा कि यही अच्छा तरीका है। इससे अच्छा तरीका देखो, एक दो दो लाइन में आंसर, और ये कितनी लाइन में आंसर, कौन सा अच्छा तरीका है, समय बचाना जरूरी है। समझ में आ गया? तो तीसरा और चौथा हो गया, कोई दिक्कत? अभी भी इनको घर पे जाके दोबारा कर लेना, और जो फोटो मैंने भेजा था ग्रुप पे उसमें जो और भी सवाल दिख रहे होंगे, तो तुमको लगता है कि अगर हमसे अभी भी अच्छे से नहीं आ रहे हो तो उनको भी प्रैक्टिस कर लो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ा जाए, रिफ्रैक्शन शुरू किया जाए। तो अब रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले एक बार हम याद कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता था। हम ये देखते हैं पहले कि रिफ्लेक्शन क्या होता था, तब हमको रिफ्रैक्शन थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, चाहे वो प्लेन मिरर से हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर से हो, दोनों ही केस में लाइट जो है वो टकरा के कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, टकरा के वापस चली जाती है। अब तुम बताओ कि जब वो टकरा के वापस जा रही है तो जिस मीडियम, मीडियम क्या होता है, माध्यम। पिछली साल हमने साउंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, गैस में अलग होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, लाइट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जब हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है चाहे वो किसी से भी हो, तो लाइट जो है वो टकरा के अगर वापस जा रही है तो क्या वो सेम मीडियम में वापस जा रही है, सेम मीडियम में वापस जा रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम अभी तक डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे थे। हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की। और तुम अगर एस चंद उठा के देखोगे तो तुमको दिखेगा कि एस चंद में रिफ्रैक्शन का चैप्टर ही पूरा अलग है, मतलब कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें तो सब कुछ कंबाइन है, पर अगर एस चंद उठाओगे तो एस चंद में रिफ्लेक्शन का चैप्टर नंबर 4 है और रिफ्रैक्शन का चैप्टर नंबर 5। तो रिफ्रैक्शन अपने आप में एक टोटल अलग टाइप का ही टॉपिक है। अब हम देखने वाले रिफ्रैक्शन, जाहिर सी बात है कि अगर मैंने तुमको बता दिया है कि लाइट जो है वो टकरा के वापस जा रही है तो रिफ्रैक्शन में टकरा के वापस तो नहीं जा रही होगी, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था। रिफ्रैक्शन के सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे कि तुमको मैंने बताया था कि ये जो मार्कर है वो दूर से देखने पर टूटा हुआ लग रहा है, लगता है, और ये ग्लास जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर ये प्लेन ग्लास होता, अगर किसी पे हो तो घर पे जाके देख लेना, बड़ा भी लग रहा है, अच्छा बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, और बीच में से टूटा हुआ लगेगा, अभी नहीं लगेगा, थोड़ा इसका पानी कम किया जाए, अब देखो थोड़ा बहुत लग रहा है। ये जो नहीं लग रहा है उसका कारण ये है कि तुम देखो इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, इसकी सरफेस थोड़ी, अगर तुम एक नॉर्मल ग्लास ले लोगे जो पूरी तरीके से फ्लैट होगा उसमें तुम देखना तुमको लगेगा, अच्छा बड़ा तो लगा ना, बड़ा तो लगा। अब तुम सोच के देखो कि ये जो है वो बड़ा लग रहा है, इसी तरीके से अगर मैंने उस दिन तुमको एग्जांपल दिया था कि जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो जो सरफेस होती है वो लगती कम गहरी है पर वो एक्चुअली में होती ज़्यादा गहरी है, बहुत तो नहीं पर ज़्यादा गहरी है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल की बात करें तो तुमने देखा होगा कि पेपर वेट, देखा है तुमने पेपर वेट, पेपर वेट होता है जिसपे पेपरों के ऊपर वेट रख देते हैं जिससे कि पेपर उड़े नहीं। अगर एक नॉर्मल ग्लास स्लैब देखोगे तुम या फिर कोई भी एक ऐसी कांच की चीज़ देखना, उसके थ्रू जब हम टेक्स्ट को देखते हैं तो जो अक्षर होते हैं वो बड़े बड़े देखते हैं, जैसा इसमें दिख रहा है, पॉइंट समझो। तो रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये बड़ा दिख रहा है,
जिसकी वजह से सरफेस ऊपर की तरफ आती हुई दिख रही है। तुम एक नॉर्मल ग्लास में नींबू डाल देना तो वो तुमको बड़ा दिखेगा। तो ऐसा क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कि ये अगर बड़ा लग रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। अच्छा, जो भी चीज़ हम देख पाते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे लाइट टकरा के हमारी आंखों में आ रही है। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि लाइट जो है वो सेम मीडियम में टकरा के वापस आएगी। पर तुम सोच के देखो, अब हम इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि तो ऊपर वाला हिस्सा जो है उससे लाइट टकरा के हवा के थ्रू डायरेक्ट तुम्हारे पास, पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम इसको देख रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हवा में है, नीचे वाला हिस्सा पानी में। तो ऊपर वाला हिस्सा से जब लाइट आ रही है टकरा के, तो वो डायरेक्ट हमारे पास आ रही है, हवा से आई, हवा से ही टकरा के वापस आ गई। पर जब नीचे वाले हिस्से की बात करेंगे तो जो लाइट है वो टकराई, टकराने के बाद पानी में से निकलेगी, पानी में से निकलने के बाद ग्लास में से निकलेगी, तब हमारे पास आएगी। दोनों लाइट जो हमारे पास आई, क्या उनमें अंतर है या दोनों सेम है? अंतर है। और इसी अंतर के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है तो सबसे पहले मैं वो समझा देता हूं। रिफ्रैक्शन होता है जैसे कि एक सरफेस है, यहां पे एयर है और यहां पे क्या है, वाटर। अच्छा, रिफ्रैक्शन सिर्फ तभी होगा जब क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या जा रही होगी, लाइट। ये लाइट रे ऐसी है, अब ये अगर सीधे सीधे चल रही होती तो क्या वो ऐसे जाती? ये जो लाइट रे है, अगर यहाँ पे सिर्फ हवा होती तो लाइट रे कैसी जाती, बिल्कुल सीधी। अब लाइट रे जो है वो हवा की जगह किस में घुस रही है, पानी में। तो लाइट रे क्या करेगी, थोड़ा सा अपना क्या कर लेगी, एंगल चेंज कर लेगी एंगल। और पानी की जगह कुछ और होता तो ऐसा भी हो सकता था कि लाइट रे जो है वो इधर की जगह बाहर की तरफ मुड़ जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इस बार तो लाइट रे जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी है, और कुछ केस ऐसे होते हैं जो मैं अभी पढ़ाऊंगा जिसमें लाइट रे किधर चली जाएगी, बाहर की तरफ। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझो, रिफ्रैक्शन है लाइट का मुड़ जाना। रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट का मुड़ जाना क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है। समझ में आ रहा है डेफिनेशन? समझ में आ रही है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम। किस किस को समझ में आ रहा है समझ में? अच्छा, अब सबसे पहले इसको हम इमेजिन करते हैं, रिफ्रैक्शन होता क्यों है वो मैं समझाता हूँ। तो रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन एवरी, जिस तरीके से साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में कैसी थी, अलग अलग थी, उसी तरीके से लाइट की स्पीड भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे पहले तो मैं तुमको बता देता हूँ, जो कि मैं पिछली साल भी बता चुका हूँ, कि दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी चलती है, वो कौन सी चलती है, लाइट से तेज दुनिया में कुछ भी नहीं है। और लाइट जो है उसकी स्पीड क्या होती है, तो उसकी स्पीड को किससे लिखते हैं, सी से। और ये जो स्पीड है वो कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। अगर तुम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आएगा 300,000 किलोमीटर प्रति। अब तुम सोचो कि ये कितना तेज हुआ, एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चले जाएगी कौन, तो ये कितनी तेज हुआ, सोच पा रहे हो? सोच भी नहीं पाओगे, इतनी तेज। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने स्पीड लिखी है तो क्या मैंने ये जो स्पीड है वो हमेशा के लिए लिखी है या किसी मीडियम के लिए लिखी है, किसी मीडियम के लिए लिखी है। और ये मीडियम कौन सा है, इन वैक्यूम, किसमें है ये वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे कौन है। समझ में आ रहा है? तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज होती है, और वो भी किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। समझ में आया? अब सबसे तेज अगर इसमें है तो बाकी की चीज़ों में इससे कैसे होगी, कम होगी। इस चीज़ का हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, बट अब इसका काम देखो। तो जैसे तुम अब लाइट के बारे में छोड़ दो, तुम सोच के देखो कि एक बॉल है, उसको अपन ने ऊपर से ऐसे छोड़ दिया और वो नीचे स्विमिंग पूल की तरफ जा रही है। अब बॉल जब ऊपर से स्विमिंग पूल की तरफ जाएगी तो हवा में वो तेज चलेगी। जैसे ही पानी में टकराएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि हवा जो है उसकी डेंसिटी, हवा हल्की है उसकी डेंसिटी कम है, और पानी जो है उसकी डेंसिटी कैसी है? समझ में आ रहा सबको? सेम चीज किसके साथ होने वाली है? सेम चीज किसके साथ होने वाली है? मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में कैसी है? अलग अलग है। लाइट हवा में आ रही है तो उसकी स्पीड अलग थी, पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड, इस कारण से क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, बदल जाती है। और स्पीड बदलने के कारण जो लाइट है वो या तो इधर चले जाएगी या फिर उधर चले जाएगी, कुल मिला के सीधी नहीं जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो इस चीज को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। ये समझ में आया? ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये समझ में आया? अब इसमें कैसे होता है, क्या होता है वो समझ लो। तो जब भी लाइट, अच्छा जो डेंस है, डेंस डेंस मतलब क्या हो गया, गाढ़ा। और जब भी गाढ़ी चीज आएगी, जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उसमें चलना उतना ही मुश्किल। तो रिफ्रैक्शन के दो केस होते हैं। पहला केस, जब लाइट कहां से जाए, अच्छा डेंस मतलब तो गाढ़ा हो गया, डेंस का उल्टा क्या होगा, रेयर। अगर हम लाइट के केस की बात करें तो डेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो लाइट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो रेयर से डेंस जाएगी या फिर डेंस से। तो हम दोनों ही केस देख लेते हैं। लाइट जो है वो कहां से जा रही है, रेयर से, रेयर से डेंस, रेयर से। और दूसरे केस में लाइट जो है वो कहां जा रही है, डेंस से। अब ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लाइट आई यहां पे टकराई, तो जब लाइट टकराएगी तो क्या यहाँ पे हमको पहले तो एक क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल से ही हम सारे एंगल नापते हैं। अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह हम एंगल कौन सा नापा करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब हमको पता है कि ये सीधी जाती तो ऐसी चल जाती, अब ये कहाँ से आ रही है, रेयर से डेंस, तो इसकी स्पीड समय के साथ कैसी हो जाएगी, और जब ये स्पीड धीरी होगी तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, कहाँ मुड़ी है, नॉर्मल की, या ये नॉर्मल के पास आना चाह रही है। ये सबको दिख रहा है, सीधे जा रही थी और किधर आना चाह रही है अब ये, तो इस वाले केस में हम क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द, ये सबको याद करना है, टुवर्ड्स द, क्या याद करेंगे कि लाइट रेयर से डेंस जा रही है, लाइट रेयर से डेंस जा रही है, तो वो कहाँ आ रही है, नॉर्मल की। When light travels from rare to dense, it travels towards the normal. When light travels from rare to dense, it travels towards the normal. और फिर इस वाले केस में सबको पता है कि क्या होने वाला है, कि वो और दूर चले जाएगी, सीधे ऐसे जाती तो वो और दूर चले जाएगी। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से नापेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ, समझ में आया? अभी तक दो तीन बातें बताई हैं, ये सब तो समझ में आ गया। ये क्या है, अभी तक याद कर लो कि लाइट रेयर से डेंस जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंस से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? थोड़ा हैवी लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना रिफ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा, अब थोड़ा सा इसका मैं तुमको इस्तेमाल बता देता हूँ कि जो हमारा स्विमिंग पूल है वो हमको ऊपर क्यों दिख रहा है। अच्छा, ऊपर क्यों दिख रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि अच्छा स्विमिंग पूल ले लो या फिर कोई सिक्का ले लो, सिक्के को अगर ग्लास में डाल देंगे उसमें पानी भरा हो तो वो भी हमको ऊपर नजर आएगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि एक ये ग्लास है और इसमें यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक, और इसमें, अच्छा पहले इसमें पानी होना चाहिए तभी तो रिफ्रैक्शन हो पाएगा, अगर पानी नहीं है तो क्या रिफ्रैक्शन होगा। अब हम इसको कहाँ से देख रहे हैं बेटा, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं। अब तुम देखो कि ये हमको क्यों दिखेगा, कैसे दिखेगा, जब लाइट इस पे से पड़ के हमारी आंखों में। अब तुम बताओ कि लाइट जो है, मान लो लाइट इस तरीके से चलना चाह रही है, ये हमारी सरफेस हो गई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है। लाइट जो है वो इस तरीके से चलना चाह रही है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, लाइट जो है वो इस तरीके से चलना चाह रही है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा तुम बताओ, पानी और हवा, तो पानी और हवा में कौन गाढ़ा है, पानी। तो लाइट कहाँ से कहाँ जाना चाह रही है, डेंस से,
डेंस से रेयर जाना चाह रही है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द, तो ये सीधे जाने की जगह और क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। सीधी जाती तो ऐसी जाती, पर ये और क्या हो गई, टेढ़ी। सेम इसी तरीके से अगर कोई लाइट रे यहां से जा रही होगी तो वो भी कैसी हो जाएगी, कोई दिक्कत है किसी को? अब मैंने तुमको बताया था कि हमारी आंखों को रिफ्लेक्टेड लाइट है या रिफ्रेक्टेड लाइट है ये तो समझ में आता नहीं। हमारी आंख को तो क्या समझ में आता है कि सिर्फ लाइट आ रही है, ये पॉइंट सबको पता है। तो हमको क्या दिखेगा कि हमारी आंखों में ये वाली लाइट आई है, हमको थोड़ी ना पता कि ये वाली है, पॉइंट समझ में आ रहा है? हमको कौन सी लाइट दिखेगी, रिफ्रेक्टेड लाइट दिखेगी। तो हमारी आंख क्या बताएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो देखो, इसको पीछे खींचोगे तो ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखेगा, रिफ्रेक्टेड लाइट को पीछे खींचा जाएगा तो इमेज बनेगी, वर्चुअल के केस में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो हमारी आंख क्या करेगी कि उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां से आ रही है। तो तुम बताओ ये ऊपर आता हुआ अपने आप दिख रहा है कि नहीं, क्या हमको ये यहां पे दिखेगा कि यहां पे दिखेगा? एग्जांपल समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया पक्का? तो इसको तुम घर पे जाके एक बार खुद से भी देख लेना। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। अब मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ाऊंगा। एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे सब लोग, 171 पे क्या क्या लिखा हुआ है अच्छे से। कौन सा, आंखों वाला बता, देख लो। यहां पे अपना मान लो सिक्का रखा हुआ है, यहां पे सिक्का रखा हुआ। अब हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण जो चीज है वो ऊपर उठी हुई क्यों लगती है, उसका कारण देख लेते हैं। तो यहां पे क्या भरा हुआ है, पहले तो पानी भरा हुआ, इधर तक पानी भरा। अब हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है? तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो लाइट रे जो है वो यहां से चलेगी, बहुत सारी चलेंगी पर हम दो की बात करते हैं हमेशा। तो ये वाली लाइट रे जो है वो यहां से गई, अब यहां पे तुम बताओ यहां पे वो नॉर्मल से क्या करेगी, यहां पे नॉर्मल से मीट करेगी। अब यहां पे लाइट जो है वो कहां से कहां जाना चाह रही है, डेंस से, तो ये सीधी जाएगी कि मुड़ जाएगी, और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, बोलो आया ना? तो ये जो सीधी जाने की जगह, जो सीधी जाने की जगह यहां से क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से मुड़ना। इसी तरीके से यहां से सीधी जाने की जगह यहां पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जब हमारी आंखों में पड़ेगी तो मैंने तुमको बताया कि हमारी आंखों को तो पता नहीं है कि रिफ्रेक्टेड है कि कैसी लाइट है, उसको तो बस इतना पता है कि लाइट आई है, तो उसको क्या दिखेगी, उसकी इमेज दिखेगी। और इस केस में इमेज कैसे बनेगी, तो हम इनको पूछ खींच के इसको पीछे लाएंगे तो वो यहां पे, तो इतनी हाइट हमको ऊपर दिख रही है कि नहीं, तो इस चीज को बोला जा रहा है कि रिफ्रेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। सेम चीज जो है वो हमको किस में दिखेगी, नींबू बड़ा लगने के केस में। नींबू बड़ा लगने के केस में देखो, अब हम ऊपर की जगह कहाँ से देखेंगे, मान लो यहाँ पे ये नींबू रखा हुआ है, अब हम ऊपर की जगह कहाँ से देखेंगे, बाहर से। जब हम बाहर से देखेंगे तो लाइट जो है वो इससे टकराएगी, मतलब इससे टकरा के बाहर की तरफ आना चाह रही होगी। तो लाइट सोच के देखो कि कहाँ से आएगी, डेंस से, कहाँ से आएगी, डेंस से, डेंस से रियर में आएगी। तो मान लो वो ऐसी आ रही थी तो वो और बाहर हो जाएगी, इधर से ऐसी आ रही थी तो और बाहर हो जाएगी, तो हमको इमेज जो है वो कैसी दिखेगी, मोटी दिखेगी। ट्राई करके देखना। हाँ लग सकती है, चेक करना पड़ेगा, लग सकती है बिल्कुल। पानी के अंदर से देखेंगे तो पानी के अंदर से देखने में दुनिया जो है हमको जैसी दिखती है वैसी नहीं लगेगी, थोड़ी अलग लगेगी। उसका केस भी होता है, वो बाद में बता दूंगा। कुल मिला के ये देखना है कि रिफ्रैक्शन की वजह से चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। एक बार पढ़ के देखो रिफ्रैक्शन के अंदर किस किस की बातें कर रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ना, नया टॉपिक है। इसने यही तो बताया है कि जब पेंसिल जो है वो पानी के अंदर है तो पेंसिल के दो हिस्से हो गए, एक पानी के अंदर वाला और एक पानी के बाहर वाला। तो बाहर वाले हिस्से से लाइट अलग तरीके से तुम्हारे पास आ रही है, अंदर वाले से अलग तरीके से आ रही है। तो नीचे वाले का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऊपर वाले का नहीं हो रहा, इस वजह से दोनों की इमेज कैसी लगती है हमको, अलग अलग, इसी वजह से वो बीच में से कैसी लगती है, टूटी हुई लगती है। सब लोग ये जो पेज नंबर 171 है और 172 पे जो एक्टिविटी है वो एक बार सर्च करके आएंगे, ठीक है? 172 पे ये दो तीन एक्टिविटी है, इनको पढ़ना, इनको सर्च करके आना और 171 की थ्योरी पढ़ के आना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।